नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। जया अमिताभ बच्चन, ये नाम सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि इस नाम में आखिर परेशानी क्या है। परेशानी कुछ भी नहीं है, लेकिन जया बच्चन को आपत्ति है इस नाम से, और इस आपत्ति को उन्होंने जाहिर किया है भारत की संसद में। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन को इस नाम से बुलाया सभापति ने, स्पीकर ने, लेकिन उन्होंने वहां पर उन्हें रोक दिया और टोक दिया। लेकिन जया बच्चन ने टोकते हुए कहा क्या है, चलिए ये भी हम आपको बताएंगे। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। जया अमिताभ बच्चन, स्पीकर ने जैसे ही अनाउंस किया उनका नाम, क्योंकि क्वेश्चन वाली क्यू में उनका नाम था, उन्हें सवाल पूछने थे, तो ऐसे में उन्हें इसी नाम से बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम जया बच्चन है, आप मुझे जया बच्चन कहेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन सभापति ने ये बात कही कि आपका नाम जो है, जो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है, उसमें यही लिखा है, और ये बात सही भी है। अगर आप कहीं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे जया बच्चन से रिलेटेड, तो वहां पर उनका नाम जया अमिताभ बच्चन है। अब ये नाम या तो उन्होंने खुद लिखा होगा या फिर किसी ने जबरदस्ती लिखवाया होगा। जया बच्चन ने ये बात कही कि महिलाओं की अपनी खुद की कोई उपलब्धि नहीं है, और वो हमेशा पति के नाम पर ही जानी जाएगी, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस पर सभापति ने टोकते हुए कहा कि आपका नाम यहाँ पर दर्ज है इसी नाम से, इसीलिए मैंने बुलाया है। लेकिन जया बच्चन को इस बात से नाराजगी है कि उनकी खुद की भी उपलब्धियां हैं, काफी साल उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है जैसा कि हम जानते हैं, और फिलहाल समाजवादी पार्टी से वो कई सालों से जुड़ी हैं, इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, तो ऐसे में क्या उनकी खुद की पहचान नहीं है? तो एक बड़ा सवाल जया बच्चन ने उठाया है, जिस पर बहुत सारे लोग एग्री भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जया बच्चन को ट्रॉल भी कर रहे हैं। वेल, आपको क्या लगता है, क्या सही कहा है जया बच्चन ने? कमेंट कर जरूर।